हम लोग 75 तक क्वेश्चन कर चुके थे, कंटिन्यू करते हैं 76 से। हाँ इंडक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज हवाई टेलीस्कोप रिसेंटली इन द न्यूज। हवाई में, हवाई यूएस की ओवरसीज टेरिटरी है, पैसिफिक ओशन में माउना की वोल्केनिक माउंटेन है, वहां पे यूएस गवर्नमेंट, यूएस के इनफेक्ट कई सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट मिलके टेलीस्कोप बना रही है, 30 मीटर डाया का 30 मीटर टेलीस्कोप, TMT उसका नाम है। तो मिनी सैटेलाइट इसरो ना, चंद्रयान टू प्रोब ना, जो पोर्टल ऑफ इसरो ना, प्रपोज्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, यस। ये स्पेस से आने वाले जो प्लैनेट्स के रेडिएशन है वो देखे कि कहीं कुछ एलियन वेलियन हो। ओ पौ 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 सिग्नल भेज रहा हूँ। 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राजीव गांधी के टाइम में डाला गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 52nd अमेंडमेंट 1985। और मैं चेक करना चाहूँगा कि मैं जो है सही बोल रहा हूँ कि नहीं। एक्चुअली क्या था कि आयाराम गयाराम वाला मामला चल रहा था, आयाराम गयाराम वाला मामला चल रहा था राजीव गांधी से पहले, जब ये इंदिरा गांधी के बाद जनता पार्टी वगैरह बनी थी, तो आयाराम गयाराम का मामला स्टार्ट हो गया था। तो उस समय राजनीति में इधर टूट के उधर उधर जाना काफ़ी स्टार्ट हो गया था। तो राजीव गांधी ने 10th शेड्यूल डलवा दिया एंटी डिफेक्शन, कि ऐसे कोई अगर इलेक्शन के बाद अगर कोई ऐसे टूट के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं, वो MP MLA नहीं रह जाएगा। तो वो 10th शेड्यूल डाला गया, पार्लियामेंट के लिए भी डाला गया, लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए भी डाला गया, एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं उसको, 10th शेड्यूल। और वो राजीव गांधी ने डलवाया था किस समय, 52nd अमेंडमेंट था, 1985 का वो टाइम था, बट आई एम नॉट श्योर, तो कन्फर्म कर लेते हैं। 10th शेड्यूल सही बात है, 52nd अमेंडमेंट 1985 ये भी सही है, बट 52nd अमेंडमेंट में क्या था कि उस समय आयाराम गयाराम इतना भी स्ट्रांग नहीं था। उसमें यह था कि अगर कोई कुछ पार्टी तोड़ते हैं, मतलब वालों 1/3 से कम है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर वो 1/3 जो है वो 1/3 अगर टूट जाते हैं तो नई पार्टी बना जाएंगे, नई पार्टी मान ली जाएगी। तो अब 2003 में फिर ये बहुत कुछ हुआ, जब ये बीच में नरसिम्हा राव के बाद फिर से अनस्टेबिलिटी आई थी, डोडे गोड़ा, इंदु कुमार गुजराल, मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, वो वाला जो टाइम आया था वो और बड़ा पॉलिटिक्स में खराब वाला टाइम था। उस समय जो है देखते हुए फिर जब हमारे अटल जी आए, तो अटल जी ने फिर से बढ़िया किया, अमेंडमेंट लाया 2003 में। 2003 वाला जो अमेंडमेंट था वो 91st अमेंडमेंट था, उसमें इन्होंने क्या किया कि 1/3 की बजाय 2/3 कर दिया, 2/3 से अगर कम किसी पार्टी के टूट के जाते हैं तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ में इनएलिजिबल हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ये मैं सही बोल रहा था, कहाँ गया वो हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एंटी डिफेक्शन, 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट और 91st अमेंडमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो स्पीकर है, शैल वैकेट हिज और ऑफिस इफ सी ceases to be member of the assembly. अगर वो असेंबली का मेंबर नहीं है तो उसको ऑफिस भी वेकेट कर दें, अच्छा ये। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate her immediately. I think assembly dissolve हो जाती है तो स्पीकर अगली जब तक नहीं असेंबली बन जाती है तब तक बना रहता है पोस्ट पे। तो पहला तो सही है कि मेंबर नहीं है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो वन ओनली होना चाहिए 78 का, 78 का ए होना चाहिए, 78 का ए ही सही है। मैं सही बोल रहा था कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है तो स्पीकर तुरंत नहीं वेकेट करता है, वो अगले
स्पीकर के बनने तक बना रहता है। अदर देन इंडिया एंड चाइना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री बॉर्डर म्यांमार? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ज्योग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। म्यांमार को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? बर्मा को इंडिया करती है, चाइना करती है, बांग्लादेश करता है, तभी तो म्यांमार के राखीन स्टेट से भाग भाग के ये लोग जा रहे हैं। कौन कौन से बांग्लादेश में, वो क्या नाम है, रोहिंग्या, रोहिंग्या तो वो म्यांमार के राखीन स्टेट से जा रहे हैं, तो बांग्लादेश से तो बॉर्डर है। थाईलैंड म्यांमार के अगली बाद, अगली कंट्री थाईलैंड ही है म्यांमार के बाद। वियतनाम, तो बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, ना ना ना, मलेशिया मलेशिया से तो नहीं है। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ना ना ना, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड लाओस। तो अब मेरे हिसाब से दो ही ऑप्शन बचे, बांग्लादेश और थाईलैंड से तो है ही, वियतनाम या लाओस में से किसके हैं? म्यांमार का मैप देखा जाए यार, मैं अपना मैप देखता हूँ खुद से, हर बार नया मैप अगर डाउनलोड करूंगा तो हो चुका। मैं अपना मैप देखता हूँ जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी। मैं जाता हूँ साउथ ईस्ट एशिया में, जाता हूँ साउथ ईस्ट में, एशिया में गया, साउथ ईस्ट एशिया में गया। म्यांमार का थाईलैंड से तो है ही, बांग्लादेश से भी है, ये बात सही है। मैं यहाँ पे गलती कर सकता था, मैं बांग्लादेश और थाईलैंड के बाद अब वियतनाम चूज करने वाला था, जबकि म्यांमार का वियतनाम के साथ नहीं है, म्यांमार का बॉर्डर लाओस के साथ है। साफ साफ दिख रहा है म्यांमार का बॉर्डर लाओस के साथ है। ये तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली मैंने, म्यांमार का बॉर्डर लाओस के साथ है। इस चीज में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि म्यांमार का बॉर्डर लाओस के साथ है। आई नीड टू वर्कआउट ऑन लाओस, लाओस पे मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर क्या हुआ? थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश। 79 का डी, 79 का डी, बिल्कुल सही, लाओस के साथ करता है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर कम्युनिटी समटाइम्स इन द अफेयर द मेंशन इन द न्यूज, कुर्द, मधेसी, रोहिंग्या। मधेसी तो नेपाल के, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पूरी दुनिया जानती होगी। रोहिंग्या म्यांमार के, ये भी कोई ऐसा नहीं कि ना जानता हो। कुर्द बांग्लादेश के, ये तो बिल्कुल गलत बात है, कुर्द जो है बांग्लादेश के नहीं, कुर्द जो है वो सीरिया, इराक, कहाँ बोले जाए भाई, कुर्द को किस कंट्री से एसोसिएट करोगे आप? कुर्द को क्योंकि एक कंट्री के नहीं है, कई सारे हैं कुर्देश, लेकिन सबसे ज्यादा अगर डोमिनेंट, मतलब जहां पे क्राइसिस चल रही है, टर्की, टर्की, ईरान, इराक, सीरिया। अभी कुर्द की क्राइसिस कहाँ चल रही है ये देखना है मुझे, कुर्द की प्रॉब्लम, कुर्दिस्तान कहाँ चल रही है? सीरिया, कुर्द अकाउंट फॉर 9% ऑफ द सीरिया पॉपुलेशन, सीरियन सिविल वॉर, अक्टूबर 2019, टर्की एंड द सीरियन इंटरन गवर्नमेंट बिगेन एन ऑफेंसिव इनटू कुर्दिश पॉपुलेशन एरिया, इथनिक क्लींसिंग हो रही है इनकी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, ये गलत है, कुर्द को अगर कहीं से एसोसिएट करेंगे तो टर्की और सीरिया होंगे, तो 80 का तो खैर 1 ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तब भी कंफर्म कर लेते हैं। 80 का सी, मतलब 203 सही है, 1 का वर्ड है, सही है। वेयर इज दावोस द वेन्यू ऑफ द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? स्विट्जरलैंड। अच्छी अच्छी चीजों की मीटिंग स्विट्जरलैंड में होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आते होंगे, वो कहाँ मिलेंगे भाई, स्विट्जरलैंड घुमाते हैं इसी बहाने। 81 का सी,
दावोस स्विट्जरलैंड में। क्या मैं मैप देखूं दावोस का? दावोस मैप में कहाँ पे है? ये रहा दावोस, बीचों बीच है दावोस, कहीं ऐसा नहीं कोस्टल सिटी नहीं है। इटली और स्विट्जरलैंड के आस, स्विट्जरलैंड में तो है ही जेनेवा, ज्यूरिख, दावोस। स्विट्जरलैंड की सिटीज बहुत फेमस है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल गैप, जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन वुमेन, WHO। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेरे हिसाब से, अगर मुझे गैसी करना हो, मुझे आता तो नहीं है, तो यूएन वुमेन, WHO, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल लूंगा, बी गेस मार रहा हूँ। 82 का ए निकला सही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में मीटिंग करता है, वही जेंडर गैप इंडेक्स देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से और इंडेक्स देता है भाई? हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एस्टेब्लिशेस 10 चेयर्स नेम्ड आफ्टर इमिनेंट वुमेन इन यूनिवर्सिटीज विद एन एम टू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज टू इंकरेज वुमेन। HRD मिनिस्ट्री ने 10 चेयर एस्टेब्लिश की इमिनेंट वुमेन के नाम पे। हाँ, कुछ याद आया, ये तो है रिसर्च एक्टिविटी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, दोनों सही लग रहे हैं। ये होना चाहिए 83 का, 83 का बी, 83 का बी, क्या 83 का बी? टू ओनली, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने 10 चेयर, बी ओनली, टू ओनली। 10 चेयर तो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, विद एम टू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज टू इंकरेज वुमेन। और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 24 जनवरी में ऐसा क्या खास है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनता है, तो गलत है। 83 का फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, यानी ए होना चाहिए। क्या देख रहा हूँ यार, मेरी आंखें धोखा तो नहीं कर रही? 83 का बी दिया हुआ है, जबकि 83 का बी का मतलब टू हुआ। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनता नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात 10 चेयर एस्टेब्लिश की, ये बात सही है, तो ए होना चाहिए। गलत है आंसर यार इसका, मुझे गलत लग रहा है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनता है। अच्छा नहीं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनता है। वीमेन चाइल्ड डे गवर्नमेंट अवेयरनेस एम्पावरिंग पावर, कि 24 जनवरी को क्या ऐसा खास है? ग्यारह अक्टूबर को क्यों लिया हुआ कहा था? 24 जनवरी, पता नहीं चल पा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्केया। दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल माइकूल्स मॉलिकूल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी विद एप्लीकेशन इन इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गट एंड हैव ए पोटेंशियल रिलेशनशिप विद ह्यूमन हेल्थ। सही लग रहा है मुझे, दोनों सही लग रहे हैं। 84 तो 84 का सी, हाँ बोथ 1 एंड 2 सही लग रहा है। आर्किया दिखने में कैसे दिखते हैं भाई? आर्किया गट्स में रहते हैं, आर्किया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं, तो आर्किया है क्या? माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो सुना था, प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। आर्किया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? अलग किंगडम ही है पूरी, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकारियोटा।
आर्किया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद स्ट्रक्चर सिमिलर टू बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जैसे ही है, इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स एंड फॉर्म द थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ। थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ आर्किया आर ओब्लिगेट एनारोब्स लिविंग इन एनवायरमेंट लो इन ऑक्सीजन। आर्किया आर कमेंशल इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स एंड रिसेंटली बट डिस्क्राइब इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। रोल ऑफ दे आर कंसिडर्ड कमेंशल बट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू वन मेजर फंक्शन ऑफ मेथेनोजेनेसिस इज द स्केवेंजिंग ऑफ वेरियस फर्मेंटेशन प्रोड्यूस बाय अदर माइक्रोब्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन एंड CO2 पॉलीसेक्राइड्स फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। विकी नहीं है क्या इसका? दे आर पार्ट ऑफ माइक्रोबायोटा ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है सब में आर्किया होते हैं, गट में, माउथ में, स्किन में। सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजी एंड इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट में कहीं कुछ। मिला नहीं खास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आर फाइनल एंड कैन नॉट बी अपील्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे सुप्रीम कोर्ट में कौन सी चीज अपील नहीं कर सकते हैं? क्वाज जुडिशियल तो होएगा ही होएगा, क्योंकि जुडिशियल तो नहीं है। 85 का ए वन ऑनली। हाँ सही है, दूसरा तो नहीं हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्योम मित्र। हाफ ह्यूमनाइट, हाँ देखा है, हाफ ह्यूमनाइट है। डेवलप बाई इसरो इन कोलेबोरेशन विद नासा। इट विल सिमुलेट द ह्यूमन फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर स्पेस बिफोर रियल एस्ट्रोनॉट टेक ऑफ इन इंडिया इज गगन। यानी करना बहुत जरूरी है। पता चला अगर हम लोग व्योम मित्र की बजाय पहले ही सीधे ह्यूमन को भेज दें, कोई सिमुलेशन ना करें, तो वो जाएं जहाँ पे वहाँ पे बेचारे उनका दमम घुट जाए, कुछ भी हो जाए उनके साथ अनहोनी, तो उससे पहले व्योम मित्र के साथ ये सब कर करा के देख लो। तो 86 का बोथ वन एंड टू सी होना चाहिए। 86 का बी, हाँ टू ऑनली, पहला नहीं है। हाफ ह्यूमनाइट डेवलप बाई इसरो तो सही है, बट कोलेबरेशन विद नासा नहीं है। व्योम मित्र जो है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है क्या? लो अच्छा व्योम मित्र पे थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। व्योम मित्र, व्योम मित्र लेडी बनाई गई। व्योम मित्र स्पेस फ्रेंड इज ए फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट बींग डेवलप्ड बाई इसरो ऑन गगनयान 22 जनवरी 2020 बेंगलोर पे अनवेल की गई। क्रूड मिशन से पहले भेजी जाएंगी। इंडिया एम्स नॉट टू फ्लाई एनिमल्स। पहले बाकी लोगों ने क्या किया था, कुत्ते वुत्ते भेजे थे तब इंसान भेजा था। इंडिया इतना नहीं करेगा, सीधे ब्योमित रोबोट भेजेगा, ह्यूमनॉइड रोबोट ऑन बोर्ड अनक्रूड गगनयान। माइक्रोग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट करेगा। अच्छा ब्योमित्र हिंदी बोल लेती, इंग्लिश बोल लेती है, रिकग्नाइज कर सकती बाकी ह्यूमंस को, उनकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकती है। स्विच पैनल ऑब्जेक्शन, इन्वायरमेंटल एयर प्रेशर चेंज की वार्निंग दे देगी। बाकी के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। फेदोर रसिया का है। किरोतो जापान, किरोबो जापान का है। रोबोनॉट नासा का है। सबके अपने। अगला एक बार फिर से देख लेते हैं। व्योम मित्र इंडिया का है, गगनयान इंडिया का है, फेदोर रशिया का है, किरोबो जापान का है, रोबोनॉट यूएसए का है।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन क्लाइमेट कोलेबरेटिव पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन इंडस्ट्री इन्वायरमेंट नीति आयोग वर्किंग टू स्ट्रेंथन द क्लाइमेट कम्युनिटी लोकली बिल्ड ए क्लाइमेट नेरेटिव एंड ड्राइव सोल्यूशन दैट विल इंश्योर बोथ द नेचुरल वर्ल्ड एंड पीपुल थ्राइव इंडियन क्लाइमेट कोलेबरेटिव। तो ये इंडियन क्लाइमेट कोलेबरेटिव मुझे नहीं पता, 87 का बी, बोथ 1 एंड 2 सही है। इंडियन क्लाइमेट कोलेबरेटिव सबका है, इंडियन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नीति आयोग, और वही है, फर्जी बातें करेंगे, क्लाइमेट वेस्ट टू वर्किंग करने वाले बहुत कम है लेकिन पॉलिसी बनाने वाले बहुत लोग हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा। इट्स एन स्टेटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कारा प्राइमरी डील्स विद एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन एबॉन्डेंड एंड द सरेंडर्ड चिल्ड्रन टू इट एसोसिएटेड रिकग्नाइज एडॉप्शन एजेंसी। तो 88 का बी, बी का मतलब है टू ओनली, और 88 कारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं है, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंडर हो गया हमें लगता है। देख लेते हैं, कारा चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा इसमें तो सेंट्रल एडवर्सन कारा लिखा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सही बोल रहा था मैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल टैलेंट कंपटीटिवनेस इंडेक्स GTCI। इट इज रिलीज एनुअली बाय वर्ल्ड बैंक इन कोलेबरेशन विद ILO। इंडिया हैज क्लाइम्ब 8 places टू 72nd रैंक इन द 2020 रिपोर्ट ऑफ GTCI। ग्लोबल टैलेंट कंपटीटिवनेस इंडेक्स 89 का बी, टू ओनली। इंडिया हैज क्लाइम्ब 8 places टू 72nd रैंक ग्लोबल टैलेंट कंपटीटिवनेस इंडेक्स रिलीज एनुअली बाय वर्ल्ड बैंक। अभी ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन करता है यार, इतने इंडेक्स कौन याद रख पाएगा। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इनसीड, ग्लोबल टैलेंट इन कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इतना तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बनाने वाले नहीं जो है छापे, जितना IAS की कोचिंग वाले छाप दिए इसके बारे में। इंडिया फेयर्स पुअरली इवन व्हेन कंपेयर टू टू ब्रिक नेशन चाइना और रशिया। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया कहीं है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में लोग सब बैठ के IAS की तैयारी किया करते हैं, फिर उसके बाद बेईमानी करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, रिसर्च कोई करना नहीं चाहता, और कोई बंदा रिसर्च करने की कोशिश करे तो डिमोटिवेट किया जाता है उसको। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन करता है, इनसीट फ्रांस पार्टनरशिप विद गूगल। इंडिया की रैंक पुअर है, 72 है, पहला गलत है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस की वर्ल्ड बैंक करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजी प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया होएगा ही, वर्क्स अंडर ओवरऑल कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ये नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर है। 90th का ए, वन ओनली। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर काम करता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में है।
फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कलकत्ता में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, पहले बनारस में चलती थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑस्लो अकॉर्ड्स ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच रीजन? ऑस्लो में कौन सा अकॉर्ड हुआ था? ऑस्लो तो नॉर्वे में एक सिटी है। कोरिया में कोई अकॉर्ड हुआ ही नहीं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। इंडिया पाकिस्तान में हुआ है, शिमला अकॉर्ड हुआ है, और तो कोई अकॉर्ड नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान में। तो ये मेरे हिसाब से इसराइल का है, पक्की बात है। ऑस्लो अकॉर्ड्स इसराइल पैलेस्टीन है, 91 B, 100%। हाँ वही है। कब हुआ था? आई थिंक ऑस्लो अकॉर्ड 7 डेज वॉर के बाद हुआ होगा, 67-70s के आसपास, या उसके बाद 90s में हुआ है। और जब भी हुआ है ऑस्लो अकॉर्ड, ये हुआ है कि उसमें ट्रूस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश की गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसेट वेपन्स रिसेंटली इन न्यूज। एंटी सैटेलाइट, वही इंडिया ने जो एक नहीं मिशन शक्ति थी, एक सैटेलाइट जो है डिफंक्ट सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया था। तो मतलब अगर किसी दुश्मन सैटेलाइट को मारना हो तो इंडिया के पास है एसेट वेपन। इट्स ए मिसाइल बेस्ड सिस्टम टू अटैक मूविंग सैटेलाइट विद सच कैपेबिलिटीज। इंडिया इज नाउ इन द लीग ऑफ 3 कंट्रीज आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना टू हैव सच टेक्नोलॉजी। दोनों सही है, 92 का सी, दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रभावती गुप्ता, शी वॉज द ग्रांड डॉटर ऑफ समुद्र गुप्ता, वकाटा किंग रुद्रसेना। सही लग रहा है। पिवोटल रोल इन वेस्टर्नाइज प्रैक्टिस इन द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे शिव का ज्यादा था, सेवाई ज्यादा थे, तो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर लेके आई थी प्रभावती गुप्ता नॉर्थ इंडिया से। 93 का सी, दोनों सही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाई, नहीं पता, 94 का डी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कहाँ कहाँ से कितनी बनाते हैं यार लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, किसने बनाई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? करप्शन की रैंक देने लगी, किसने बनाई होगी ना, जर्मन एनजीओ है बेस्ड इन बर्लिन। ग्लोबल करप्शन सिविल एंटी करप्शन मेजर एनजीओ टाइप है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। तो अगर कहीं एनजीओ का रोल आए तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लाना चाहिए नाम, क्योंकि कम से कम ये बताती तो है। इस टाइप से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को टाइप इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होनी चाहिए जो बताए इंडियन गवर्नमेंट में करप्शन का लाए मामला सामने। इंडिया में अगर कोई ऐसे एनजीओ बनाए जो करप्शन के इशू को बाहर लाए तो उसे दबा दिया जाएगा तुरंत, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंजॉय स्पेशल प्रोविजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 5th शेड्यूल में तो आई थिंक शेड्यूल एरियाज हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, बट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात टाइप। और 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले हैं, तो असम है, अरुणाचल है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल छोड़ दो, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 1, 3, 4, 5 सी होना चाहिए। 95 का सी, 95 का सी, हाँ सही है, 6th शेड्यूल। बट ये क्या चीज़, मैंने ये लिख रखी कहीं पे, GS2 में देखो, GS2 में 6th शेड्यूल, मेन 6th शेड्यूल, बड़ा है भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा खासा याद भी करना पड़ता है इतना। 6th शेड्यूल अभी नहीं आया, अब आया 6th शेड्यूल। प्रोविजन एज टू एमलिगेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
साफ साफ लिखा हुआ है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल पोटैटो कंक्लेव। फर्स्ट सच एडिशन इज बीइंग हेल्ड इन गुजरात। सही लग रहा है। इन द लास्ट 11 ईयर्स अलोन व्हाइल द एरिया अंडर पोटैटो हैज इंक्रीज, इट हैज इंक्रीज बाई 170% इन गुजरात। यार ये नहीं पता था मुझे। 96 का बी, 2 ओनली। पोटैटो बढ़ा है लेकिन गुजरात में पोटैटो का काफी अच्छा खासा बढ़ा है, इसीलिए वहां पे ग्लोबल पोटैटो कंक्लेव कराती है। तो 2 ओनली क्यों किया है? 96 का, 96 का बी क्यों किया है? 2 ओनली। फर्स्ट सच एडिशन इज बीइंग हेल्ड इन गुजरात। अच्छा, ग्लोबल पोटैटो कंक्लेव और भी जगह हुए, फर्स्ट नहीं है। गुजरात में तो हो रहा बट फर्स्ट नहीं है। बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ सेंचुरी वकातक वकाटक वाज रूलिंग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया व्हाइल द मोर पावरफुल गुप्ताज वर रूलिंग सेंट्रल एंड डेक्कन। सही लग रहा है। वकातक रूलर्स फॉर द सेवज व्हाइल द गुप्ताज वर स्टांच वैष्णव। दोनों सही लग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है 97, 97 का बी यानी कि 2 ओनली। यार इसमें क्या गड़बड़ भाई, पहले वाले में वकाटक नॉर्थ वेस्टर्न, गुप्ताज वर रूलिंग सेंट्रल एंड डक्कन, नॉर्दर्न नहीं लिखा है क्या इसलिए डक्कन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141(b). इट इज केमिकल यूज बाई फोम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ दिस केमिकल। सही लग रहे हैं दोनों। 98 का ए, पहला सही है दूसरा सही नहीं है। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 144(b) का, ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल है। फिर कौन है इसका मेन प्रोड्यूसर? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन SCFC 141(b). इंडिया तो कंप्लीट फेज आउट कर दिया SCFC का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज है, इंडिया अचीव्स कंप्लीट फेज आउट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल SCFC 141(b). फोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज करती थी इसको, और इंडिया इसका प्रोड्यूसर तो दूर की बात है, इंडिया में बिल्कुल बैन है। फेज आउट, कंप्लीट फेज आउट। पालपुर कूनो, कूनो पालपुर मध्य प्रदेश। 99 का बी, 99 का बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामसर कन्वेंशन। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड। ये बिल्कुल सही है। और इंडिया का गॉट इट फर्स्ट रामसर साइट इन 2019 थ्रू एडिशन ऑफ चिल्का लेक। नहीं यार, इंडिया में बहुत सारी रामसर साइट्स हैं, तो पहला ही सही होगा। 100 का ए, इंडिया की बहुत सारी हैं भाई, चिल्का लेक बहुत पहले से है। कंसीडर द फॉलोइंग DP रिसेंटली इन न्यूज। इट इज ए प्रोजेक्ट टू असिस्ट ग्राम पंचायत एट ग्रास रूट बेसिक प्लानिंग फ्रॉम सेटेलाइट डेटा। इट इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। तो 101 का ए, 1 ओनली। नीति आयोग नहीं कर रही है, तो कौन कर रहा भाई? SISDP। SISDP स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग NRSC मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। SISDP स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड पंचायती राज, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रिपेयरिंग बेसिक स्पेशल लेयर्स एट ग्रास रूट लेवल। और कार्टोसेट का डेटा वेटा पंचायत लेवल पे यूज होगा, भुवन जियो पोर्टल पे डाला जाएगा। और ये SISDP जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज चला रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप डेवलप बाय रशिया
लार्ज अमाउंट ऑफ गैस यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता मुझे। 102, 102 का बी, टू ओनली, बट तो स्पेक्ट्रम बना कौन ना यार, स्पेस टेलीस्कोप रशिया नहीं बना रही तो कौन बना रहा है स्पेक्ट्रम? नासा बनाएगी और कौन बनाएगा स्पेक्ट्रम? इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, नासा का है, रशिया का नहीं है। नासा का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीसीटीएनएस, नेशन वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स 15,000 पुलिस स्टेशन। बिल्कुल सही है। डिज इम्प्लीमेंटेड बाई नीति आयोग विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नीति आयोग को हर जगह क्यों घोषित कर देते हैं? 103 का ए, वन ओनली। होम मिनिस्ट्री का समझ में आता है। नागोबा जत्रा, नागोबा जत्रा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना लग रहा है। नागोबा जत्रा 104 का बी, मध्य प्रदेश। अरे नागोबा जत्रा, नागोबा जत्रा तेलंगाना है यार, वही तो मैं भी कह रहा था। इन्होंने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है जबरदस्ती। 104, फिर से देख लो, 104 का बी लिखा हुआ इन्होंने, जबकि नागोबा जत्रा होता है आदिलाबाद तेलंगाना, गलत लिखा है इन्होंने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन वेनिला, इट इज लॉन्च बाई इंडियन नेवी, ऑब्जेक्ट्स वर प्रोवाइड ह्यूमेटेरियन असिस्टेंट टू श्रीलंका। श्रीलंका नहीं है, मेडागास्कर है। 105 का ही है, वन ओनली। मेडागास्कर का है ऑपरेशन वेनिला, तो मेडागास्कर में वेनिला बहुत होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, येलो रशीज फंगल डिसीज है, येलो कलर, फोटोसिंथेसिस अप्रोप्रिएट इंसेक्टिसाइड नीड टू बी स्प्रेड। 106 का सी, हाँ दोनों सही है। सेक्शन 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद फॉलोइंग, सेडिशन, हेरेसमेंट ऑफ वुमेन, एंटीसिपेटरी बेल। 438 बिल्कुल नहीं पता। 107, 107 का सी, एंटीसिपेटरी बेल, किसी को चाहिए तो सेक्शन 438 यूज कर लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल वाटर कमीशन, इट्स ए प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। 108 का ए, वन ओनली। एक्सरसाइज संप्रति, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बीटिंग रिट्रीट, ऑफ वेस्टेड इंडोज द बिगिनिंग, नहीं एंड है, और 23 जनवरी, ना 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 ना, दोनों गलत है। 110 का डी, दोनों गलत है। बीटिंग रिट्रीट बाद में होता है, आई थिंक खत्म हो गया ये जनवरी 2020। थैंक यू, इट्स ओवर।